आप देख रहे हैं वार्ता 24। 1948 में बने यहूदियों के देश इजराइल को 75 साल पूरे हो रहे हैं। 1907 में केमिस्ट और ब्रिटेन में यहूदियों के बड़े लीडर ने फिलिस्तीन में आकर इजराइल के बनने की नींव रखी। चाइम वाइजमैन नाम के उस व्यक्ति ने फिलिस्तीन में एक नेशनल फंड के जरिए यहूदियों की कॉलोनी बसाने के लिए जमीन खरीदी। धीरे धीरे फिलिस्तीन में यहूदियों का आना बढ़ता रहा। हालांकि इस बदलाव का ज्यादा असर फिलिस्तीनियों पर पड़ा और फिलिस्तीन के मर्ज बिन आमिर ने करीब 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। इस तरह इस इलाके में यहूदियों की संख्या बढ़ने के बाद 14 मई 1948 को एक अलग देश इजराइल की स्थापना हो गई। जानते हैं 1907 से 1948 के बीच नए देश इजराइल के निर्माण की पूरी कहानी। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन एम्पायर की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया था। इस दौरान यहूदियों के लिए अलग देश बनाने की मांग उठी। साल 1920 से 1944 के बीच ब्रिटेन को फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने का काम सौंपा गया। तभी बड़ी संख्या में यहूदी यूरोप से फिलिस्तीन की ओर निकल पड़े। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की फौज ने लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। साल 1947 तक अंग्रेज यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाए बिना ही फिलिस्तीन छोड़कर चले गए। इसी दौरान 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन ने फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांटने का सुझाव दिया, जिसके अनुसार एक हिस्सा यहूदियों के लिए और दूसरा अरब मुस्लिमों के लिए रखने की सिफारिश की गई। यूएन के सुझाव के बाद नए देश इसराइल के बनने का सपना साकार हुआ और साल 1948 में फिलिस्तीन के बड़े यहूदी नेता डेविड बेंगुरियन ने इसराइल बनने की घोषणा कर दी। सिलसिला अभी यही नहीं थमा था। इसराइल के गठन के विरोध में जंग छिड़ गई। एक तरफ अरब देश थे तो दूसरी तरफ पश्चिम देशों के समर्थन के साथ इसराइल था। एक रिपोर्ट के अनुसार 8 महीने तक चली इस जंग के दौरान अरब देशों की सेना में केवल 24,000 सैनिक ही थे, जबकि कम आबादी होने के बावजूद भी इसराइल की तरफ से 80,000 से ज्यादा सैनिक लड़ाई में उतरे थे। फिलिस्तीनियों को जबरन उनके घर से निकाला गया और इस तरह धीरे धीरे जुलाई 1949 तक इसराइल की सेना 7.5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को निकाल चुकी थी। 1949 में जंग रुकने के बाद फिलिस्तीन तीन इलाकों में बंट गया। पहला हिस्सा जॉर्डन के पास गया, जिसे आज वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है। दूसरा हिस्सा इजिप्ट के पास गया, जिसे गाजा कहते हैं, और तीसरा इसराइल के खुद के पास रहा। इसके साथ ही फिलिस्तीन की राजधानी यरूशलम को भी दो हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा जॉर्डन के पास है, वहीं दूसरे पर इजरायली फोर्सेस का कब्जा है। 1967 में इसराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया को हराकर ईस्ट यरूशलम, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। 1973 में अरब देशों के एक ग्रुप ने फिर इसराइल पर हमला कर दिया, लेकिन इसराइल ने अमेरिका की मदद से अरब देशों को हरा दिया। 1974 में यरूशलम को इंटरनेशनल सिटी घोषित कर दिया गया। इस बीच कई बार इसराइल को हिंसा का सामना करना पड़ा। 38 साल तक कब्जे के बाद 2006 में इसराइल की सेना गाजा छोड़कर चली गई। हालांकि 2008 से अब तक फिलिस्तीनी और इसराइल के बीच जंग जारी है, जिसमें लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। सवाल यह है कि दोनों देशों के बीच जारी इस जंग पर कब विराम लगेगा। इसी तरह की खबरें और जानकारी के लिए देखते रहिए वार्ता 24 और सब्सक्राइब कीजिए।